हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपके लिए फिर से टिकटॉक का एक न्यू एडिटिंग लेकर आ गया हूँ। गाइस आप ठंडा वाली वीडियो तो बहुत बना चुके गाइस, अब आप कुछ इस तरह से वीडियो बनाइए। गाइस अब आप टिकटॉक पर यहाँ स्काई क्लाउड वाली वीडियो बनाइए। स्काई क्लाउड वाली वीडियो के साथ यहाँ पे आप चमगादड़ वाली वीडियो किस तरीके से बना सकते हैं आज के स्टूडियो में हम जानेंगे। तो गाइस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके लिए आपको अपने कैमरा स्टैप में जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके आपको ये लेटेस्ट सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ से मीडिया में जाना होगा। मीडिया में जाने के बाद आपको यहाँ से उस वीडियो को ले लेना है जो आपने नॉर्मल कैमरे से वीडियो को शूट करा होगा। जब आप इस वीडियो को यहाँ पर लेंगे तो उसके बाद आपको इस लेयर पर क्लिक करके आपको यहाँ से वॉल्यूम वाले पर क्लिक करके यहाँ से इसका वॉल्यूम म्यूट कर देना है ताकि आपकी वीडियो में जो भी आवाज़ आ रही होगी वो इससे हट जाएगा। अब आपको अगर इस वीडियो में से कुछ पार्ट को कट करना है तो आप कैसे कट करेंगे? आपको कैंची का निशान आएगा, आपको इस पर जाना होगा। अगर आपको इस वीडियो में से राइट साइड से कुछ पार्ट को कट करना है तो यहाँ पर आपको ट्रिम टू राइट प्लेट करना होगा। अगर आप लेफ्ट से कट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रिम टू लेफ्ट प्लेट करना होगा। अब आपको इस वीडियो में वहाँ पर जाना होगा जहाँ से आप अपनी वीडियो में जो क्लाउड वाली वीडियो लगाना चाहते हैं और साथ में चमगादड़ वाली, तो वहीं पे मैं चले जाता हूँ। आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको 8 सेकंड तक चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से इसे स्प्लिट करना होगा। आपको यहाँ से कैसे निशान आएगा, आपको इस पर जाकर आपको यहाँ से इसे स्प्लिट कर देना है। इसे कट करने के बाद अब आपको इसी लेयर पर क्लिक करके नीचे आपको कलर फिल्टर में जाना होगा। जाने के बाद आपको नीचे चले जाना है। आपको यहाँ से ग्रीन वाला सेलेक्ट करना होगा। एक ब्लू वाला से जस्ट ऊपर आपको ग्रीन वाला मिल जाएगा, आपको ये वाला कलर फिल्टर सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ से कलर एडजस्टमेंट में जाकर आपको यहाँ से ब्राइटनेस को कम करके यहाँ से इसे फुल कर देना है और इसे भी यहाँ पे कम कर देना है। आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना है कि आपका जो वीडियो है यहाँ पे वो जो स्काई है वो ग्रीन कलर का हो जाए, बाकी सभी पार्ट यहाँ पे ब्लैक कर देना है। तब आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है और फिर से एक नया प्रोजेक्ट ओपन करना है। अब आपको यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है। आपको यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ से 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करके एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ से मीडिया में आकर आपको यहाँ से उस वीडियो को लेना है जो जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए यहाँ से मैं उस वीडियो को लेकर आता हूँ। आपको यहाँ क्लाउड वाली वीडियो को सबसे पहले लेकर आना है। इस वाले वीडियो को लेकर आने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको यहाँ से कुछ पार्ट को कट करना होगा। आपको इस वीडियो में 28 सेकंड के बाद आपको यहाँ से लेफ्ट पार्ट से यहाँ पर कट करना होगा। तो आपको इसी लेयर पर क्लिक करके आपको यहाँ से कैची निशान आएगा, आपको इस पर जाकर आपको इसे ट्रिम टू लेफ्ट प्लेट कर देना है क्योंकि इसके बाद ही यहाँ पर क्लाउड वाली वीडियो का इफेक्ट आ रहा है। अब आपको यहाँ पे 5-6 सेकंड के बाद आपको इसे राइट साइड से भी कट कर देना है। तो आपको यहाँ कैची निशान आएगा, आपको इस पर जाकर आपको इसे ट्रिम टू राइट प्लेट कर देना है। इस तरीके से करने के बाद अब आपको यहाँ से लेयर पर क्लिक करके यहाँ से आपको मीडिया में आना होगा। अब आपको यहाँ दूसरे वीडियो को लेकर आना होगा जिस वीडियो को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपको ये वाला ग्रीन स्क्रीन को लेकर आना होगा। इस वाले ग्रीन स्क्रीन को लेकर आने के बाद आपको नीचे क्रोमा की में चले जाना है और उसे यहाँ से इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ से की कलर में यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है। चलिए यहाँ से मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जैसे इसे सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा आगे करके आपको यहाँ से चमगादड़ वाला इफेक्ट मिल जाएगा इसके अंदर। तो आपको यहाँ सबसे पहले लेफ्ट पार्ट से यहाँ पर हटाना होगा, यानी जो फालतू पार्ट है। तो यहाँ पर आपको 2.5 सेकंड के बाद आपको यहाँ से लेफ्ट पार्ट से यहाँ पर कट करना होगा। तो आपको यहाँ से कैचिंग निशान आएगा, आपको इस पर जाकर आपको यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट प्लेट कर देना है। अब आपको इस वीडियो में राइट साइड से भी कट करना होगा। जैसे कि ये वाला हमें नहीं पार्ट चाहिए तो इसे मैं राइट साइड से इसे हटा देता हूँ। आपको यहाँ इसी पे क्लिक करके आपको ऐसे ट्रिम टू राइट प्लेट कर देना। अब आपको इस लेयर को थोड़ा सा आगे कर देना है यहाँ पे और उसके बाद आपको इसे बड़ा कर लेना है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको इसी लेयर पे क्लिक करके नीचे आपको कलर एडजस्टमेंट में जाकर आपको इसे ब्राइटनेस को कम कर देना है पूरा। इससे क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो चमगादड़ है पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ से प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपको इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है और फिर से एक नया प्रोजेक्ट को ओपन करना है। अब हमारे इस वीडियो में थोड़ा लास्ट ही काम रह गया है। अब आपको यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके आपको ये वाला रेशियो सेलेक्ट करना है। इस वाले रेशियो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से मीडिया में जाकर आपको यहाँ से दोनों वीडियो को ले लेना है जो आपने एक्सपोर्ट किया है। चलिए सबसे पहले आपको इस वाले वीडियो को लेना है जो आपने पहले एक्सपोर्ट किया था, उसके बाद आपको इस वाले वीडियो को भी ले लेना है। इन दोनों वीडियो को लेने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको सबसे पहले इसे लेयर पर क्लिक करके आपको इसे क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर जाकर आपको इसे क्रॉप को इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद आपको इसे जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से। जब आप इस तरीके से यहाँ पे जूम करते हैं तो यहाँ पे आपको चमगादड़ वाला इफेक्ट आना चाहिए आपकी वीडियो में, तो आ रहा है इसकी वीडियो में। अब आपको इस वाले वीडियो पर आ जाना है। इस वाले वीडियो पर आ जाने के बाद जहाँ से आपको ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट हो रहा है वहीं से आपको कट करना होगा। तो आपको यहाँ से कैचिंग निशान आएगा, आपको इस पर जाकर आपको ऐसे इसे स्प्लिट करना है। अब आपको इस लेयर पे क्लिक करके यहाँ से आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा और इसे डुप्लीकेट एज लेयर पे कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमारे लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको इस हमारा इस लेयर का कोई काम नहीं है तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हमें इस लेयर पे क्लिक करके यहाँ से इसे फुल स्क्रीन करना होगा। तो इसे चलिए इसे मैं यहाँ पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देता हूँ। नीचे आपको क्रोमा की में चले जाना है और इसे यहाँ से इनेबल करना है और यहाँ पर आपको की कलर में यहाँ पर आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है।
आप जैसे इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल कर मिलाकर आपको थोड़ा सा नीचे कर देना यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो इससे क्या होता है पूरा ग्रीन इफेक्ट आपकी वीडियो में हट जाता है। अब आपको इस लेयर पे एक और काम कर लेना है, आपको नीचे जाकर आपको कलर एडजस्टमेंट में चले जाना है और इसे यहाँ पे ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देना है। इससे क्या होता है कि आपकी यहाँ पे वीडियो में ये ब्लैक ब्लैक सा शेडो आ जाता है। अब चलिए इस वीडियो में यहाँ से प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं किस तरीके से सेम उसी तरीके से यहाँ पे वीडियो बन गई है। तो आपको इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है और जाकर आपको टिकटॉक पर अपलोड करना है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको इस वीडियो में साउंड किस तरीके से ऐड करना है। तो आपको मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया टिकटॉक वीडियो का, आपको उस वीडियो पर क्लिक करके वहाँ से आपको साउंड पर क्लिक करना होगा। वहाँ से आप उस साउंड का यूज़ करके आप अपनी वीडियो उसी में अपलोड कर दीजिए। बस यार आपको इस वीडियो में यही बताना था आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में लाइक प्रेस कर लेना क्योंकि मैं वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।